नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल में ऐसा क्यों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजी यानी डीजल जनरेटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल बताएंगे, साथ ही साथ अलग अलग जो कि इसके पार्ट्स हैं उनका क्या काम होता है वो बताएंगे, और कुछ कॉमन क्वेश्चन जनरेटर से संबंधित पूछे जाने वाले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर डीजल जनरेटर की बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल की बात करूं तो ये कहूंगा, डीजल जनरेटर में इंजन के मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कहने का मतलब है, डीजल इंजन के कम्बशन चैम्बर में फ्यूल बर्न होता है जिससे पिस्टन अप एंड डाउन करता है, जिससे पावर प्रोड्यूस होती है। कैसे? पिस्टन अप एंड डाउन करता है और रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस होता है। इसी रोटेटरी मोशन को शाफ्ट के द्वारा अल्टीनेटर से जोड़ देते हैं, और अल्टीनेटर में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंडक्टर को कट करती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये तो सिंपल डिटेल हो गई। अगर आप 4 स्ट्रोक इंजन और अल्टीनेटर को और सही से समझना चाहते हैं तो इन दोनों टॉपिक पर मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अब डीजल जनरेटर के कुछ पार्ट्स और उसके जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टर्बो चार्जर के बारे में बात करूंगा कि टर्बो चार्जर है क्या। पहले आप डायग्राम में देख सकते हैं दिखने में कैसा होता है टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर की डीजल इंजन में क्या जरूरत है? टर्बो चार्जर बता दूं कि एक्चुअली 1 लाख RPM में 1 लाख RPM में रन करता है, और इसके दो पार्ट्स होते हैं जिसमें एक फैन फॉरवर्ड हवा फेंकता है और दूसरा फैन बैकवर्ड डायरेक्शन में हवा फेंकता है एक ही टाइम पे। तो इंजन के कम्बशन चैम्बर में जो फ्यूल बर्न होता है उससे जो गैस प्रोड्यूस होती है वो टर्बो चार्जर के फॉरवर्ड वाले पार्ट से एग्जॉस्ट पाइपलाइन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, और दूसरी तरफ कम्बशन चैम्बर में फ्रेश एयर की जरूरत होती है फ्यूल को बर्न करने के लिए। तो टर्बो चार्जर का बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने वाला फैन हवा को बाहर से अंदर देता है, वो कम्बशन सेक्शन से जुड़ा हुआ होता है जिससे फ्यूल बर्न करवाने के लिए फ्रेश एयर इंजन में पहुंचा सके। टर्बो चार्जर यूज करने से इंजन की एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है और फ्यूल की जो खपत है वो भी कम हो जाती है। अब रेडिएटर की बात करते हैं, क्या रोल है डीजल जनरेटर में। अब इंजन रन करता है फ्यूल के कम्बशन चैम्बर में बर्न होने से, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, और इंजन ज्यादा हीटअप ना हो जाए तो इंजन को कूल करने के लिए कूलेंट और ल्यूब ऑयल यूज करते हैं। ल्यूब ऑयल क्या है? ल्यूब ऑयल बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कार बाइक में मोबिल ऑयल यूज करते हैं। ल्यूब ऑयल दो काम करता है इंजन में, लुब्रिकेशन का काम करता है जिससे इंजन स्मूथली फ्रिक्शन फ्री काम कर सके। दूसरा, इंजन में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, कह सकते हैं इनिशियली कूलेंट की तरह काम करता है। चलिए अब कूलेंट की बात कर लेते हैं। कूलेंट होता क्या है? कूलेंट मिक्सचर होता है वाटर और ग्लाइकोल बेस्ड लिक्विड का, जो कि डीजल जनरेटर में कंपनी का ही प्रेफर करना चाहिए। कूलेंट में केवल सिंगल वाटर का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका इससे नुकसान हो सकता है। जैसे इंजन में जो कूलेंट पैसेज है उसमें रस्ट नहीं लगती, और कूलेंट पंप में लुब्रिकेशन का काम करता है। अब ये कूलेंट पंप के माध्यम से इंजन के सिलेंडर हेड और ब्लॉक और इंटरनल पार्ट से होता हुआ और हीट एब्जॉर्ब करके वापस रेडिएटर में जाता है। वहीं दूसरी तरफ कूलेंट और ल्यूब ऑयल की कॉमन जैकेट होती है। कह सकते हैं दो अलग अलग पाइप जिसमें एक कूलेंट फ्लो कर रहा है और दूसरे में ल्यूब ऑयल, दोनों अटैच होते हैं ताकि कूलेंट ल्यूब ऑयल से हीट एब्जॉर्ब करता हुआ रेडिएटर में पहुंचता है। अब रेडिएटर में बहुत पतले पाइप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अरेंज होते हैं जिसमें फैन से एयर पास होती है और कूलेंट को ठंडा करती है। ये साइकिल चलती रहती है जिसमें इंजन कूल रह सके। अब इससे जुड़ा हुआ सवाल जान लेते हैं, जैसे जनरेटर का टेम्परेचर हाई होने के क्या कारण हो सकते हैं, और टर्बो चार्जर में ल्यूब ऑयल क्यों इस्तेमाल करते हैं? कूलेंट लेवल और ल्यूब ऑयल लेवल का
कम होने की वजह से भी टेम्परेचर हाई हो सकता है, लो वाटर लेवल की वजह से टेम्परेचर हाई हो सकता है, रेडिएटर चौक होने के कारण भी टेम्परेचर हाई हो जाता है, रेडिएटर एयर पैसेज की जो जाली होती है उसमें ज्यादा डस्ट जमा हो जाए जिससे हवा पास ना हो रही हो, और कई बार रेडिएटर के फैन को मूव करने के लिए जो बेल्ट यूज होती है वो टूट जाए तो रेडिएटर काम नहीं करता, तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। और एक कारण और है, ओवर लोड की कंडीशन में भी डीजल जनरेटर का टेम्परेचर हाई हो जाता है। ये तो बात हो गई टेम्परेचर हाई होने की। अब टर्बो चार्जर में ल्यूब ऑयल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि टर्बो चार्जर लगभग 1 लाख आरपीएम में चलता है, बहुत ही हीट प्रोड्यूस होती है। ल्यूब ऑयल कूलेंट का काम करता है, वहीं टर्बो चार्जर में बेयरिंग की लुब्रिकेशन का भी काम करता है। अब ये तो बात हो गई इंजन कूलेंट सिस्टम की, क्या अल्टरनेटर सेक्शन में भी कूलेंट की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है। कैसे? जो अल्टरनेटर का रोटर होता है हाई आरपीएम में रोटेट करता है जिससे रोटर वाइंडिंग का टेम्परेचर हाई होता है हो जाता है, तो लो करने के लिए कूलेंट यूज करते हैं जैसे हाइड्रोजन जो कि गैस फॉर्म में होता है। वहीं स्टेटर वाइंडिंग जो कि स्टैटिक होती है लेकिन करंट फ्लो होने के वजह से, और जिसको कॉपर लॉस भी कह सकते हैं, स्टेटर वाइंडिंग का भी टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसमें कूलेंट यूज होता है जैसे डीमिनरलाइज वाटर। अब डीमिनरलाइज वाटर यूज इसलिए करते हैं क्योंकि लेस कंडक्टिव होता है मिनरल हटाने के बाद। डीजल इंजन में जो फिल्टर यूज होते हैं अब उनकी बात कर लेते हैं। देखा जाए तो डीजल जनरेटर में 3 प्रकार के फिल्टर यूज होते हैं, जैसे एयर फिल्टर, ल्यूब ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर। सबसे पहले एयर फिल्टर के बारे में बता देता हूँ। एयर फिल्टर का काम है होता है एयर में जो इम्प्योरिटी और डस्ट पार्टिकल हैं उसे रिमूव करना। एयर फिल्टर टर्बो चार्जर से जुड़ा होता है ताकि इंजन में फ्रेश एयर पहुंचा सके कंबशन के लिए, साथ ही साथ इंजन में कम से कम खराबी आए जैसे सिलेंडर, पिस्टन, वाल्व गियर में। ये तो बात हो गई एयर फिल्टर क्या है लेकिन काम कैसे करता है। एयर फिल्टर जनरेटर में कई प्रकार के यूज होते हैं जैसे फिल्टर टाइप, कॉइल बार टाइप और इनर्शिया टाइप। फिल्टर टाइप में पेपर या गत्ते से बने होते हैं जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनसे हवा गुजरती है ताकि जो इम्प्योरिटी है वो पेपर में रुक जाए और क्लीन एयर इंजन तक पहुंच सके। वहीं ऑयल बाथ टाइप फिल्टर में बॉटम में ऑयल पैन होता है जिसमें ऑयल डालते हैं और जब हवा ऑयल में से होकर गुजरती है डस्ट पार्टिकल ऑयल में चिपक जाते हैं, साथ ही साथ ऑयल ड्रॉपलेट और एयर फिल्टर पेपर में से होकर निकलती हैं जो कि ऑयल पैन के ऊपर लगा होता है जिसमें ऑयल ड्रॉपलेट फिल्टर में रह जाती है, फ्रेश एयर आगे बढ़ जाती है। अब इनर्शियल टाइप फिल्टर में होता क्या है, डस्ट पार्टिकल जो एयर में होते हैं वो एयर से थोड़ा ज्यादा भारी होते हैं। इनर्शियल टाइप फिल्टर में पाइप बेंड कर देते हैं जब एयर और डस्ट पार्टिकल एकदम से रोटेट करते हैं जिसमें डस्ट पार्टिकल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और एयर और डस्ट पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। अब ल्यूब ऑयल फिल्टर की बात कर लेते हैं कि डीजल जनरेटर में ल्यूब ऑयल फिल्टर का क्या रोल है। डीजल जनरेटर जब रन करता है तो उसके इंटरनल पार्ट में आपस में फ्रिक्शन होता है जिस वजह से स्मॉल मेटल पार्टिकल इंजन ऑयल में आ जाते हैं और साथ ही साथ डस्ट और कार्बन डिपॉजिट भी इंजन ऑयल में आ जाते हैं, तो ल्यूब ऑयल फिल्टर इन सभी इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये सिलेंडर की फॉर्म में होता है और इसके जस्ट बगल में एयर ब्रीथर पाइप होता है। अब एयर ब्रीथर पाइप का क्या रोल है इंजन में, इंजन ऑयल गर्म होने के कारण उसमें जो वाटर कंटेंट होता है वो वेपोराइज हो जाता है इंजन में, इससे गैस प्रेशर क्रिएट होता है और कंबशन के दौरान भी रेसिडुअल गैस प्रेशर इंजन में क्रिएट होता है जिससे इंजन को नुकसान पहुंच सकता है, तो कंबशन को फ्री फ्लो बनाने के लिए एयर ब्रीथर पाइप को इंजन के रनिंग टाइम के दौरान
दौरान बार बार प्रेस करते हैं तो इससे ब्रीथर में से ऑयल फ्लो होता है, जिससे रेसिडुअल एयर प्रेशर और ऑयल गैस ऑयल के साथ रिमूव हो जाते हैं। एक बात और जानने वाली है, अगर जनरेटर रनिंग के टाइम पर ब्लू कलर का धुआं देता हो तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं डीजल में ल्यूबल मिक्स हो रहा है, और अगर डार्क ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा है एग्जॉस्ट से तो इसका मतलब है कि इंजन ज्यादा मात्रा में डीजल कंज्यूम कर रहा है, जिससे जनरेटर की एफिशिएंसी कम हो सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डीजल फिल्टर के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है डीजल को फिल्टर करता है। डीजल फिल्टर भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, जिसमें ऊपर वाला हिस्सा फिल्टर और नीचे वाला हिस्सा वाटर सेपरेटर होता है, जिसमें डीजल में जो वाटर कंटेंट होता है फिल्टर द्वारा रिमूव करके वाटर सेपरेटर में इकट्ठा हो जाता है। सेपरेटर के नीचे नोजल को खोलकर पानी बाहर निकाला जा सकता है। वहीं डीजल फिल्टर के जस्ट बगल में फ्यूल पंप होता है। अगर डीजल में एयर है तो फिल्टर के ऊपर नट लूज करके पंप को बार बार दबाते हैं, जिससे नट के बगल से डीजल के साथ वो एयर जो होती है डीजल में वो बाहर आ जाती है। ऐसा करने के बाद नट को फिर से टाइट कर देते हैं। अगर डीजल फिल्टर से सही काम नहीं कर रहा है तो जनरेटर व्हाइट कलर का धुआं देगा, जिससे समझ जाइए कि डीजल में कहीं ना कहीं पानी मिक्स हो रहा है, और नॉर्मल कंडीशन में जनरेटर ब्लैक और लाइट ग्रीन का धुआं देता है। डीजल जनरेटर के लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, गवर्नर। अगर गवर्नर की बात करते हैं दोस्तों, तो गवर्नर का काम डीजल इंजन में डीजल की सप्लाई को नियंत्रण करना होता है। देखा जाए तो जनरेटर का काम आउटपुट सप्लाई कांस्टेंट रखने के लिए अल्टरनेटर को कांस्टेंट स्पीड में मूव करना होता है, एक सिंक्रोनस स्पीड में। तो डीजल इंजन अल्टरनेटर से अटैच होता है शाफ्ट के माध्यम से, तो ऐसा करने के लिए डीजल इंजन की कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करनी होती है, क्योंकि इंजन के जब रन करता है तो हर समय सप्लाई लोड चेंज होता रहता है। इस वजह से इंजन को कभी ज्यादा फ्यूल और कभी कम फ्यूल की जरूरत पड़ती है, तो इसका गवर्नर के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। गवर्नर में एक एक्चुएटर कॉइल लगी होती है जो कि फ्यूल वाल्व को कम या ज्यादा खोलती है। ऐसा इसलिए हो पाता है, डीजल जनरेटर में सेंसर लगा होता है जो कि उसकी स्पीड को सेंस कर गवर्नर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है रहता है, और उसी के अकॉर्डिंग एक्चुएटर कॉइल डिसाइड करता है फ्यूल सप्लाई इंजन में कितनी पहुंचनी है। दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद डीजल जनरेटर से संबंधित जितने भी सवाल आपके मन में होंगे उनका उत्तर आपको मिल गया होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।